हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम बिग विद एसएस। आज के वीडियो में हम 5 बेबी स्लीप टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जो पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। सो मैंने सोचा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। सो जो भी न्यू मदर्स है उनके लिए बहुत यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, यूजुअली बेबीज 3 मंथ्स के बाद से ही लंबे समय तक सोते हैं, जैसे कि 5 to 6 आवर्स एक बारी वो सो जाते हैं। उससे पहले एवरी 2 to 3 आवर्स वो उठते रहते हैं। सो जो भी टेक्निक्स मैं आज आपको बता रही हूँ वो 3 मंथ्स के बाद बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप इससे पहले से ही शुरुआत कर दीजिए, ताकि बेबी को भी इसकी आदत हो जाए एंड आपको भी इसकी आदत हो जाए। जिसमें फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप है सेटअप पे बेड टाइम रूटीन, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे बेबीज़ बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, उन्हें सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप डेली एक रूटीन फॉलो करेंगे सो उन्हें सुलाने में बहुत आसानी होगा। जैसे कि हम बड़े काम से लौटने के बाद फेस वॉश करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सोते हैं। सो हम ये चीज़ें अनोइंगली करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को सिग्नल पहुंचाता है कि अभी सोने का वक्त हो रहा है। एंड ये जो भी आप स्टेप्स कर रहे हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, लेकिन आपको ये अच्छी नींद दिलाने में एंड जल्दी सोने में बहुत ही हेल्प करता है। सिमिलरली बेबीज़ को भी ये करता है। सो आप क्या कीजिए, बेबी का सोने के टाइम से 1 घंटे पहले आपको बेबी को थोड़ा सा फ्रेशन अप कर देना चाहिए, जैसे कि उसका फेस थोड़ा सा वाइप कर दीजिए, उसके जो भी प्राइवेट पार्ट्स है उसे वाइप कर दीजिए एंड बेबी को डाइपर पहना दीजिए। एंड अगर आप बेबी को इवनिंग के टाइम पे भी कपड़े चेंज करते हो तो कपड़े चेंज कर लीजिए, कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दीजिए या फिर आप खुद लोरी गा के बेबी को एक सूदिंग वॉइस से अच्छा सा गाना गा के सुना दीजिए। एंड ये चीज़ें आप डेली सेम टाइम पर कीजिए। सो बेबी को कुछ दिनों के बाद ये रूटीन का आदत हो जाएगा एंड जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे उसे सिग्नल मिलने लगेगा कि अभी सोने का वक्त हो गया है। सो इनिशियली मे भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एंड सोचा कि शायद ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन मैं ये चीज़ें फॉलो करी एंड धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का रिजल्ट समझ में आया। एंड अब जैसे ही मैं बेबी को ये बेड टाइम रूटीन करती हूँ, मेरी बेबी बहुत आराम से एंड जो सो जाती है एंड जितना भी वो एक्टिव रहे वो धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाती है एंड सोने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेती है। सो ये टिप बहुत ही यूज़फुल है, आप प्लीज़ इसे कंटिन्यूस फॉलो कीजिए एंड इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। सो सेकेंड टिप है यूज़ डिम लाइट। जैसे ही आप बेड टाइम रूटीन कंप्लीट करते हैं, जो भी आपके रूम के लाइट्स है उसे स्विच ऑफ कर लीजिए एंड एक छोटा सा कोई आप बेड लाइट लगा लीजिए। एंड ड्यूरिंग द डे आप अपने रूम के लाइट्स ऑन करके रखिए एंड ड्यूरिंग द नाइट आप लाइट्स ऑफ कीजिए, ताकि बेबी जो डे एंड नाइट का जो लाइटिंग है ना उसे उस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन पता हो। इनिशियल कुछ मंथ्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ का उसे समझ हो जाएगा। सो आप डे एंड नाइट का जो भी लाइट है बेबी को दिखाइए, तभी बेबी को समझ में आएगा। एंड अगर आप नाइट टाइम बेबी को फीड करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप बड़े लाइट्स मत ऑन कीजिए, आप वो डिम लाइट में ही बेबी को फीड कीजिए, ताकि बेबी फीड करने के बाद फिर से खुद को आराम से वो सोने के लिए तैयार कर पाए। सो थर्ड टिप है पुट योर बेबी ऑन बेड व्हेन दे आर ड्राउजी बट अवेक। मतलब जैसे आप फीडिंग ख़त्म करते हो एंड बेबी थोड़ा सा ड्राउजी हो जाते हैं, मतलब नींद उन्हें आने लगती है लेकिन कम्प्लीटली वो सो नहीं जाते, सो वो टाइम पे आपको बेबी को बेड पे लेटाना होता है, ताकि बेबी अपने सराउंडिंग को देख पाए एंड उसके बाद सो जाए। क्योंकि अगर सपोज़ आप बड़े आप सोने के टाइम पे बेड पे सोते हो राइट, एंड बीच नाइट में आप 12-2 बजे एग्जांपल उठ जाते हो एंड खुद को सोफ़ा पे पाते हो, आपको कैसा लगेगा? आप डरने जाओगे कि मैंने तो बेड पे सोई थी, मैं सोफ़ा पे कैसे आ गई। सो बिल्कुल बेबी को भी वैसे ही लगेगा। आप दूध पिलाते पिलाते गोद में ही अगर उसे सुला दिए एंड उसके बाद बेबी को बेड पे डाल दिया एंड सडनली बेबी 1-2 घंटे के बाद उठ जाती है एंड देखती है कि वो मम्मा के गोद में नहीं है, वो कहीं और दूसरी जगह पे है। सो बेबी उस चीज़ को देख के डर जाएगी एंड रोने लगेगी। सो आपको फिर से उठना पड़ेगा, बेबी को शांत करना पड़ेगा। सो अगर आप बेबी को जब ड्राउजी होते हैं तभी अगर बेड पे लिटा देंगे वो अपने सराउंडिंग को देख लेगी एंड सो जाएगी। सो अगर बीच नाइट में कभी भी वो उठ भी जाएंगे
तो वो खुद ब खुद सराउंडिंग को देख लेंगे एंड शांत हो जाएंगे और फिर सो जाएंगे। सो आपको फिर से उठ के बेबी को शांत करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। फोर्थ टिप है, गिव योर बेबी टाइम टू सेटल डाउन। अगर आप बेबी को बेड पे लेटाते हो एंड बेबी सडनली उठ जाते हैं एंड रोने लगते हैं, या फिर बेबी कुछ देर सोने के बाद उठ के रोने लगते हैं, हम क्या करते हैं, सडनली झट से जाके बेबी को ऐसे उठा लेते हैं एंड बेबी को शांत करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक मिनिमम 5 मिनट्स बेबी को ऑब्जर्व करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि बेबी क्या खुद को सेटल डाउन कर पा रही है एंड शांत कर पा रही है एंड वापस सो रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि बेबी वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे 5 मिनट्स के बाद भी वो बेबी रो रही है, तो उसके बाद आपको जाके बेबी को लेना होगा एंड उसे थोड़ा सा शांत करना होगा। लेकिन आप प्लीज़ हर बार बेबी को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो खुद को सेटल कर पाए एंड वापस वो सो पाए। यूजुअली मेरी बेबी ये बहुत ज़्यादा करती है नींद में, कभी कभार वो उठ जाती है एंड नींद में ही रोने लगती है। सो मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट रुक के देख लेती हूँ, रोते रोते बेबी सडनली शांत हो जाती है एंड वापस सो जाती है। सो अगर मैं जाके बेबी को उठा देती हूँ तो उसका नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड फिर से मुझे टाइम लगेगा उसे सुलाने के लिए। तो आप 2-3 मिनट थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि बेबी एक्चुअली रो रही है एंड खुद को शांत नहीं कर पा रही है, उसके बाद आप जाके बेबी को लीजिए एंड सेटल डाउन कीजिए। सो फिफ्थ टिप है, ड्रीम फीड योर बेबी। ये टिप मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क हुआ। ये चीज़ कुछ मदर्स के लिए वर्कआउट होता है, कुछ मदर्स के लिए नहीं होता है, लेकिन आप कुछ दिन इसे ट्राई करके देखिए। अगर ये चीज़ वर्कआउट हो रहा है तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए या फिर आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अब ड्रीम फीडिंग क्या होता है? ड्रीम फीडिंग का मतलब जैसे ही बेबी सो जाती है आपको बेबी को लेना होता है एंड फीड करना होता है। ये आप कैसे करेंगे? बेबी को अपने पास लीजिए, उसके लिप्स के ऊपर थोड़ा सा आपका निपल जो है ऐसे टिकल कीजिए, वो तुरंत मुंह खोल देगी। उसके बाद आपका निपल उसके मुंह में डाल दीजिए एंड बेबी स्टार्ट कर देगी सकिंग एंड वो फीड कर लेगी। एंड ये चीज़ आप सोने से पहले करना होगा। एग्जाम्पल, बेबी अराउंड डेली 8 o'clock सो जाती है एंड आप मदर्स अराउंड 12 o'clock सोते हैं, ठीक है। सो बेबी 5 to 6 hours एक स्ट्रेच के लिए सोते हैं। सो 8 o'clock अगर बेबी सो गई, सो 5 to 6 hour का जो स्ट्रेच है वो अराउंड 1 o'clock या 2 o'clock midnight ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आपको फिर से 1 या 2 बजे उठना होगा एंड बेबी को फीड करके फिर से शांत करके सुलाना होगा। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड आपका नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो अगर आप 12 बजे बेबी को सोने से पहले फीड कर लोगे तो शायद आपकी बेबी 4 या 5 बजे उठे। सो जब तक आपका 4 से 5 घंटे नींद भी हो जाएगा एंड उसके बाद आप बेबी को संभाल भी पाओगे। एंड ये चीज़ आप कुछ दिन करके देखिए, अगर आपके लिए चीज़ वर्कआउट हो रही है एंड बेबी थोड़ा सा लेट से उठने लगी है सो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, या फिर आप ड्रीम फीड करने के बाद भी बेबी सेम टाइम अराउंड 1 o'clock या 2 o'clock ही डेली उठ रही है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर भी सकते हो या फिर आप इसे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो गाइस, ये थे 5 टिप्स जो पर्सनली मैंने ट्राई किया एंड मेरे लिए बहुत ही अच्छे से वर्कआउट हुआ। एंड आशा करती हूँ कि आपको भी ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। सो बाय गाइस एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।